subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूखी और प्रोग्राम लेकर आए हैं प्राइम टाइम की एक और एपिसोड आपके लिए। और इसमें आज हम फोकस करेंगे कोरोना वायरस, जो कि दुनिया भर में पेंडेमिक और कोरोना वायरस के तौर पर जाना जाता है, अब वो कम्यूनल वायरस के तौर पे दुनिया के ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के इलाकों में और ममालिक में जाना जा रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में। और ख़ास तौर पे इसको जिस तरह से मुसलमान कम्यूनिटी ने रिएक्ट किया है और हैंडल किया है, ये एक अजीब सी सूरत हाल समझ में आई है। ये एक बायोमेडिकल साइंटिफिक इशू और बैक्टीरिया इशू से बल्कि बढ़कर कुछ रिलीजियस इशू बन गया है। लेकिन इस इशू को, इस नाम को, इस्लाम को और मुस्लिम कार्ड को लोग इस्तेमाल भी बहुत खूब करते हैं। और हिंदुस्तान में अनुदिता रॉय ने जो एक कार्ड इस्तेमाल किया, मुस्लिम अपना वेनम स्पिल किया है फॉर बीजेपी लीडरशिप, नरेंद्र मोदी सरकार और भारत की एक सेकुलर फेस पे जिसको उन्होंने दागदार करने की कोशिश की है, वो एक बड़ी शर्मनाक बात है। इस पे आज हमारी और आपकी बात होगी। इसमें हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगी, बीजेपी की तर्जुमान हैं और मेंबर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली की हैं वहाँ की, शाजिया इल्मी साहिबा, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। जी वेलकम, कैसी हैं आप? जी सलाम अस्सलाम, आदाब। आपको बुलाने का आज मकसद ये था कि अभी आप मुख्तलिफ चैनल से भी डिबेट से होकर आ रही हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है दुनिया भर के लोगों को जो ज़बान उर्दू हिंदी समझते हैं, कि असल इशू है क्या? क्या वाकई हिंदुस्तान के मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान हैं या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वाकई ऐसे हैं जैसा कि टीवी पे दिखाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अनीस जी मुझे बुलाने का। बहुत सारी बातें मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। जरूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, इंडोनेशिया के बाद सेकंड हाईएस्ट हमारे देश में है। और अभी हाल में मरकज, एक तबलीगी जमात के मरकज में कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो मुखिया हैं, उनके जो अमीर हैं मौलाना साद, उन्होंने बाकायदा एक स्पीच में कहा कि जो भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे, इमाम जो मौजूद थे, उन सबसे कहा और ताकीद दी कि आप लोग इस लॉकडाउन चाहे हो या ना हो, आप लोग यहाँ पे बने रहिए, अगर आपको मौत भी आती है तो मस्जिद से बेहतर जगह नहीं हो सकती। अभी साफ साफ उन्होंने एक तरह से हलाकत, आप कहिए खुदकुशी कहिए, उसके लिए एक न्योता दिया जी। अब ये तो ना तो कुरान में कहीं जायज़ है जी, ना ही ऐसा कुछ कहीं कहा गया है। तो मौलाना साद अपने किस्म का, कोई नए किस्म का ही इस्लाम वहाँ पे पढ़ा रहे थे। और जब वो स्पीच दे रहे थे, जो बाकायदा तबलीगी जमात के वेबसाइट पर मौजूद है, ये स्पीचेस तब दी गई 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, जबकि हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया था, ठीक है, और उससे पहले 4 लोगों के ज्यादा मिलने पर पाबंदी भी थी। बिल्कुल। तो मौलाना साद ने बाकायदा कहा कि डॉक्टर को दिखाने का फायदा नहीं है, डॉक्टर को दिखाना भी तो उसी डॉक्टर को दिखाओ जिसके अमल ठीक हो, यानी कि जो आपके आपके या तो मजहब का है, हम मजहब है, या फिर उसका तबलीगी जमात के जो सिखाते हैं उससे वो उसकी वाकफियत है और उसमें उसका यकीन है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें तो कुरान का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप उनकी बाकी स्पीचेस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं जो हिस्सा कुरान शरीफ में है नहीं है। वो अपने ढंग से वो एक नए का ही मजहब का वो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी बात हुई इसकी वजह से, जो बेचारे और इमाम थे और मौलाना थे, और वो कई उनमें से इन्फेक्टेड हो गए और वो डर के मारे फिर वो भागे, क्योंकि बाकायदा पुलिस को इंटरव्यू करना पड़ा और वो अलग अलग जगह पे गए। तो जाहिर सी बात है कई उनमें से इन्फेक्टेड थे और कई जगह उनकी मौतें भी हुई। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहां से तेलंगाना देखेंगे, हैदराबाद, तो आपको पता चलेगा सबसे पहले वहां से खबर आई कि ये जो मरकज से गए थे अलग अलग जगहों में, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मौतें होने लगी और उनमें से कई घबरा कर छुप भी गए।
तो बार बार कहा गया स्टेट की जो सरकारें हैं कि आप लोग अपने बाहर आइए, हम आपका इलाज करेंगे, आप औरों को इन्फेक्ट ना कीजिए। और खुद मौलाना साद साहब जो थे वो फरार थे, उनका कोई अता पता नहीं है, उनको नोटिस तक दिया गया है। ये तो बात हुई मरकज की, क्या कुछ हुआ। और अभी भी आप देखिए, पता भी नहीं, इतने लोग लुकआउट नोटिस पर हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, देश में जो बाकी मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह की जिल्लत या एक तरह से एक तासुब सा हो जाता है कि भाई कैसा कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसकी गलती किसकी है, गुनाह किसने किया, जिन्होंने किया उन वो तो अपने भाग गए हैं आराम सही। से, बाकी लोगों को एक्सप्लेनेशन सफाइयां देनी पड़ रही हैं। अब इसका ताल्लुक इंडियन गवर्नमेंट से नहीं है, नहीं लेकिन अरुंधति राय साहिबा जो है अपने को पता नहीं क्या समझती हैं, जी बहुत ही जहीन और महीन बातें करती हैं, बिल्कुल बहुत ही उम्दा उनकी अंग्रेजी है, लेकिन फिक्शन तो बहुत अच्छा लिख लेती हैं हाँ मैडम, लेकिन जब वो लिखने आती हैं हकीकत के बारे में, दिस तो उनका बस एक मकसद है कि किसी तरह से देश के जो हिंदू हैं उनको बुरा भला बोलो। ठीक और जो मोदी सरकार है या जो भी हमारी हुकूमत की सरकार इस वक्त है, उनके खिलाफ कुछ बोलो, बिल्कुल ठीक। और ये करने करने के लिए इतनी वो क्या कहना चाहिए, उनकी इतनी जिद है कि इसके आगे वो सब सारे के सारे सारे जो जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उसको कुर्बान करना उनके लिए बहुत कोई आसान मसला नहीं, काम। ठीक है। और अगर हाँ, और मुसलमानों और हिंदुओं और कौमों के बीच में दुश्मनी पैदा करना, नफरत पैदा करना, मुसलमानों को खौफ में रखना, बार बार कहना कि अरे तुम्हारे साथ ही हो रहा है, जो हो भी ना रहा हो, इससे देखिए किसका फायदा हो, इससे मुसलमानों को तो फायदा नहीं हो रहा है। नहीं तो खास तौर से कहना कि हम मुसलमानों के हिमायती हैं, लेकिन उनके खिलाफ काम करना, ये अरुंधति राय साहिबा जैसे कई लोग करते आए हैं। ठीक अब है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा अनीस जी, और आपको यकीन नहीं आएगा वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो कह रही हैं कि उन्होंने पहले तो एक जो कानून बना था जिससे देश के मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है कहा ये एंटी मुस्लिम कानून है। ठीक है। फिर उन्होंने उस कानून को जोड़ा कि अभी हाल में दिल्ली में हिंसा हुई थी जहां दोनों कौमों के लोग मारे गए थे, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मारे जाने की बात की, उनके मैसेकर का जिक्र किया, और फिर कहा कि भारत की सरकार कोई एक डीप स्टेट की कॉन्स्पिरसी के तहत एक जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, बहुत से लोगों का मरना, एक जेनोसाइड प्लान कर रही है जिसके जरिए वो इस COVID-19 वायरस को इस्तेमाल कर रही है, और ये उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आप देखिए कितनी अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना बात वो कर रही है। जी। अब आप खुद ही सोचिए अनीस साहब, मतलब वो नाजीज की बात कर रही है, बार बार उनका तो एक फिक्स्ड वो है, हमेशा नाजी की बात करो, ज्यूज की बात करो, होलोकॉस्ट की बात करो, सारे एक रटा रटाया एक प्लेबुक सी है जी। और सब उसी का इस्तेमाल करते हैं, जी। कोई किताब वो समझाती है, कुछ ज्ञान दे देती है, चार पांच उनके जैसे लोग, बाकी लोग मान लेते हैं भाई वो सही बोल रही होंगे क्योंकि बड़ी जहीन उनको माना जाता है, लेकिन उनकी चालाकी कहिए या उनकी बदनीयती देखी कहिए या उनका झूठ आप देखिए कि वो कह रही है जैसे नाजीज ने यहूदियों के साथ किया था टाइफस के वायरस और बीमारी के साथ, वैसे ही मोदी सरकार बाकायदा COVID-19 को इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, अच्छा, उनको सिस्टमैटिकली गायब करने के लिए, परेशान करने के लिए और उनको हटाने के लिए, ठीक, और एक नरसंहार वहां पे, यानी कि मैस एक जेनोसाइड की तैयारी हो रही है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा, मेरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे भी है और उनसे भी यही है कि कोरोना वायरस तो चाइना के एक शहर वुहान से चला, वहाँ पे से उसकी इवॉल्व होता है, फिर वो दुनिया में इटली में जाता है, स्पेन में जाता है, फिर वो अमेरिका में जाता है, फिर वो घूमता फिरता थोड़ा बहुत सब कॉन्टिनेंट में भी आ जाता है। तो इसमें ये जो आप नस्ल कुशी और जेनोसाइड और ये सारी बातें कर रही हैं, ये जो एक सोच है, एक तसव्वुराती एक सोच है, ये सोच इसको मतलब लोगों के समझ में बात नहीं आती कि ये तो एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर्स फिनोमेना है कि इसका कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स नेतागिरी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो ये इतनी अहमकाना बात करके अपने आप को छोटा कर देने वाली बात की है इन्होंने, रॉय साहिबा ने, कि मुसलमानों की समझ में ये बात तो आनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल। और मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई तबलीग के जो लोगों ने किया है वो अपने आप में गलत चीज है, उसका उनके बाकी से तो लेना देना है नहीं। और दूसरी बात, अगर लोगों को बचाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप शिनाख्त कीजिए, सामने आइए, और जो अथॉरिटीज को या हॉस्पिटल में जाइए,
तो वो तो उनको बचाने के लिए किया जा रहा है ना जी। अगर पुलिस और प्रशासन मिलकर कह रहा है कि अस्पताल जाओ भाई, अपना इलाज कराओ, तुम कोविड अगर नेगेटिव पाए गए तब तब जो हो वापस चले जाओ, लेकिन कोविड पॉजिटिव अगर हो तो इलाज कराओ, तो वो तो उनके उनके लिए उनके उनके खुद के लिए, उनके घर वालों के लिए, खानदान के लिए तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल। तो उसको उसको भी इस नजरिए से देखना और उनके दिमाग में तासुबात का क्रिएट करना कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है मुसलमानों के साथ तो वो तो मौलाना साहब तबलीगी जमात के जो भारत के अमीर हैं उन्होंने किया है जी, किसी और ने नहीं किया है जी। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, अगर मैं, मेरी खुली चुनौती है, ये चैलेंज है अरुंधति रॉय जी को या उनके जैसे सोचने वालों को, अगर कोई एक भी वाकया मेरे देश हिंदुस्तान का वो सामने पेश करें जिसमें बताया जाता है कि भारत का कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, हवलदार हो, डॉक्टर हो, मेडिकल केयर वर्कर हो, नर्स हो, जिसने एक भी कोविड पेशेंट को या मरीज को मजहब के चश्मे से देखा हो, किसी ने नहीं देखा है, चाहे वो सराय सफाई कर्मचारी हैं या सरकार के अधीन काम करने वाले प्रशासन के लोग हैं, या फिर अगर आप देखिए जो पूरे इंतजाम देखते हैं, ये बिल्कुल इस तरह का नजरिया ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अरुंधति रॉय कह रही हैं कि पूरी भारत सरकार यानी कि पूरी गवर्नमेंट जो है बस वो इसी पे लगी हुई है। वो इसी पे लगी हुई तैयारी कर रही है, एक वो पूरा पोग्राम है जेनोसाइड का मुसलमानों के खिलाफ। आप देखिए कितनी खतरनाक जहरीली उनकी जबान और सोच है, मतलब उनकी जो भी पॉलिटिक्स हो, उनकी पॉलिटिक्स उनको मुबारक। भैया मोदी जी से नफरत करती है, नफरत है आपको, आपकी नफरत मुबारक हो। आप मुसलमानों को क्यों आग में झोंक रही हैं? आप मुसलमानों को सियासी चारे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल, आप बस आदमी फाजिल अपने को कहती है। आप जानती है इन सब बातों से एक आम मुसलमान गरीब इंसान हंसेगा, परेशान होगा, हमने हमेशा यही देखा है कि ये जो इस तरह के लोग जो ये लाशों की सियासत करते हैं, मरने की सियासत, ऐसे ऐसे मौके पे ये निकल आते हैं बरसाती मेंढकों की तरह, और वो हर उस नाजुक सोच को इस्तेमाल करते हैं जिस जो कि लोगों के दिलों में जाके लगती है। इन्होंने जज्बात के साथ खेला है, मैं समझता हूँ इन्होंने मुसलमानों के जज्बात को उभारने की कोशिश की है। लेकिन अब अगला सवाल आता है और वो आप पर, आपकी सरकार पर जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, बीजेपी के चाहने वाले, आप जैसे लोग और समझदार लोग, पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, पूरी जनता जो 130 बिलियन लोग हैं, 1.5 अरब लोग हैं आपके उसमें खित्ते में रहते हैं, वो कैसा देखते हैं इसको? देखिए बहुत से लोगों ने क्योंकि इस तरह के लोग हैं जो अरुंधति रॉय टाइप के हैं, जिस तरह की बातें कहते हैं, और क्योंकि तबलीगी जमात और मरकज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाकई आए, और बहुत सारे जो मौलाना हैं, अब देखिए चिश्ती फाउंडेशन है या ओलिया फाउंडेशन के लोग हैं या और भी बहुत सी तंजीमें हैं, इदारे हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी मजम्मत की और कहा यह गलत है और मौलाना साहब को, साथ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुरान में कहीं भी खुदकुशी जो है जायज नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि बाकायदा केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही आलिम इंसान है, उन्होंने बाकायदा बताया और एक हदीस का भी जिक्र किया जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी कि आज बहुत बारिश हो रही है, तो मुअज्जिन से ये कह दिया जाए कि एक और कुछ चंद और अल्फाज आजाम में आज ऐड हो जाए जिसमें कहा जाए कि भी आज की नमाज जो है अपने घरों में ही पढ़ लो, बहुत जोर से बारिश हो रही है जी। तो आप क्यों मौलाना साहब कह रहे हैं, और जब मौलाना साहब ये स्पीचेस दे रहे हैं जिनके ऑडियो उन्हीं के वेबसाइट पर मौजूद हैं, उसमें लोग खास रहे हैं जी। तो आप बताइए, आप अपने ही लोगों को जो आपको मानते हैं, आप उनको क्यों हलाकत के मुंह की तरफ भेजेंगे? तो इस अंधकार से, ये जो अंधकार है, जहालत है या कुछ लोगों की खुदगर्जी है, उसकी वजह से पूरी मुसलमान कौम को बुरा नाम देना बिल्कुल भी जायज नहीं है, और ये कहना कि सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है ये भी जायज नहीं है। अगर मीडिया के कुछ चैनल तबलीगी जमात के बारे में कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए क्योंकि वो न्यूज है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है जी। वो खबर बता रहे हैं क्योंकि लोग औरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं,
खुद मर जाएंगे ये लोग, खुद बीमार हो जाएंगे अगर उनका इलाज ना हो, क्वारंटीन में ना जाए. तो मतलब एक बहुत ही बुनियादी सी चीज है, लेकिन उसको इतना ज्यादा गंदा मजहबी रंग दे दिया गया है जिसमें जिसमें मजहब की गुंजाइश ही नहीं है. जी. कोई गुंजाइश नहीं मजहब की बात को इसमें लाना. वही बात मैंने आपसे शुरू में कही ना कि जब जब दुनिया में एक ही वायरस आया हुआ है और ये इंटरनेशनल एक पैंडेमिक है, तो आप इसको सिर्फ स्पेसिफिक रिलीजियस फैनेटिक रंग क्यों दे रहे हैं? ये एक सवाल है और मुसलमानों को अपने आप से करना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादा कर रहे हैं. हमने तस्वीरें देखी हैं अभी जो आ रही हैं अलग अलग जगह में, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको राज्य सरकारें खाना खिला रही हैं, सेंटर की तरफ से बड़ी स्कीमें आई हैं उन्हें बाकायदा, जैसे कि यूपी में हो रहा है, योगी जी ने बाकायदा कहा है कि जो मुसलमान अभी जो क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है, अगर उनके पास राशन कार्ड भी ना हो तो जरूरी सामान उनको मुहैया कराया जाएगा. ठीक है, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, क्योंकि हमारे बड़े गरीब मुसलमान भाई हैं. तो एक तरफ तो सरकार है, चाहे पंजाब सरकार हो, कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, हम उनको भी सलाम करेंगे, और ऐसी अब उड़ीसा की सरकार को हम सलाम करेंगे जो बीजेपी की नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें, सेंटर की गवर्नमेंट, सारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, बिल्कुल गरीब लोग, नर्सेस लगी हैं, जुटी हुई हैं, और कोई नहीं देख रहा है कि कौन हिंदू है क्या मुसलमान है, बल्कि बचाने की उनको कोशिश की जा रही है. लेकिन एक अरुंधति रॉय है जो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर रही है. जी. अब आप देखिए इंसान का के खून का क्या एक ही रंग है ना, एक ही रंग. अरुंधति रॉय को कोई बता दे. और आप ये बताइए COVID-19 वायरस जो है वो हिंदू मुसलमान तो देखकर आएगा नहीं, जी. या बीजेपी कांग्रेस देखकर तो आएगा नहीं, या लेफ्ट या राइट देखकर तो आएगा नहीं, वो तो बराबर से सबको इन्फेक्ट करेगा. बिल्कुल. तो अगर तबलीगी जमात ने कुछ गलती की है जिसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, तो अरुंधति रॉय ये क्यों कह रही है कि सारे मुसलमानों के खिलाफ भारत की सरकार कोई डीप स्टेट के तहत एक कॉन्स्पिरसी कर रही है ताकि उनको हटाया जाए और उन सबको मतलब एक तरह से टारगेट करके उनका जेनोसाइड हो जाए. मतलब कितनी संगीन इल्जाम आ ये नाजी बात तो मेरी समझ में आती नहीं है कि जेनोसाइड को एक पर्पसली किया जाता है. क्या ये कहना चाह रही है कि मोदी सरकार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना रही है? जी. मतलब कितना झूठ इंसान बोलेगा. और देखिए अनीस साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत इंसान, एक जो सबसे जरूरी चीज है ना, हम बड़ी बातें भूल जाए लेकिन एक जो बुनियादी चीज है कि हम सच बोले. जी. और हर एक मजहब ये सिखाता है, तो कम से कम सच तो बोले इंसान. मैं तो अपने मुसलमान भाई भाइयों से और हिंदू भाई बहनों से सबसे यही कहूंगी कि भाई सच तो बोलो. और ये इसमें झूठ है पूरा, अरुंधति रॉय की बात में मुझे उनके झूठ से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है. जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला है अपनी बहुत ही सस्ती पॉलिटिक्स के लिए, उनके अल्फाज बहुत ही वो जाना चाहिए लॉफ्टी है. वो तो ये कह रही है कि हंट डाउन करने आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट का एजेंडा है, ये सरकार का एजेंडा है, ये नस्ल कुशी जेनोसाइड की बात हो रही है. यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो कि एक राइटर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. मी बीइंग अ राइटर, मी बीइंग अ पोएट, मुझे मालूम है कि हम अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं, हम लोगों से बात कैसे करते हैं. और उस सतह पे नहीं गिरता कि जहाँ पे मैं नहीं होता. लेकिन आज जो कि इतनी आपको इंटेलेक्चुअल समझती हैं, लिटरेट समझती हैं, उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए, न जाने उनके दिल में क्या था, कितना जहर था जो आज उगला है. और जब वो उगला है तो वो उनकी जो मेंटल लेवल और स्टेट है वो हमें दिखाई देती है कि अरुंधति राय ने एक ऐसा कार्ड इस्तेमाल किया एक ऐसे मौके पे जबकि तमाम कौमें एक हो गई हैं, ऑन द सेम पेज, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, रिलीजियस डिफरेंसेस असाइड, हम एक होके इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं. ऐसे मौके पे जो ये शर पसंद लोग आते हैं, इनको मैं कहता हूँ कि ये दहशतगर्द है. आप क्या कहते हैं? आपने बहुत ही सही लफ्ज का अभी इंतखाब किया है, दहशतगर्द, क्योंकि ये एक टेरर है. ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इसे मैं बोलूंगी, ये जो अपने सोच, अपने फलसफे और अपनी जबान के जहर से लोगों के 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 दिलो दिमाग में खौफ के बीज बो रहे हैं. जी बिल्कुल, खौफ के बीज बो रहे हैं और खौफ की एक पैदावार कर रहे हैं.
और आपको लगता है अगर 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 अरुंधति रॉय को जरा सा भी मोहब्बत होती भारत के हिंदुस्तान के मुसलमान बाशिंदों से, तो क्या वो उनको डराएंगी? जी क्या वो उन्हें खौफजदा करेंगी? क्या वो उनको कहेंगी सब उनको टारगेट किया जा रहा है, क्यों, ये जानते हुए कि वो सच नहीं है? तो ये कोई बहुत ही झूठा, जहरीला और खतरनाक इंसान ही कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि आप क्यों ऐसा करेंगे उस कौम के लिए जिसकी आप हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं तो अरुंधति रॉय को कहूंगी कि ये इनका एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करने का। और इसमें तो जाहिर है वो हिंदुओं को जरूर गाली बकती हैं, लेकिन असली जो वो जो जो नफरत उनके दिल में है, जिनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और इट वो तो कम्स सीधा विद साधा आम दैट मुसलमान है। एक्सट्रीम जी वायलेंस। जी ऑनेस्टली तो द लेकिन इसे इस सिचुएशन मौके इन पे ये जो चीज़ इन्होंने क्रूड की है ये जेनोसाइड, बड़ी अहम है कि यू नो, ये बिकॉज़ इनको द गवर्नमेंट्स एजेंडा हैज बीन आपके मुल्क में कोई ऐसा सिंस कानून नहीं है कि दिस जहाँ हैव बीन पर लिविंग ऐसे ऐसे वक्तों में क्वेशन्स जबकि हैव बीन इमरजेंसी हंटेड दुनिया डाउन भर में बट नाफिज है नाउ द ऐसे स्टिग्माटाइजेशन लोगों की विद जबानबंदी दिस की जाए, ऐसे इल्नेस लोगों को ये तो हैज देशद्रोही लोग कहलाते हैं इस यू नो तरह की जब गवर्नमेंट एंटी पॉलिसी स्टेट ऑन द बात करते स्ट्रीट हैं. नाउ यू कैन डोंट यू हियर थिंक इट दैट इट इज टाइम टू टेक एक्शन? एवरीवेयर एंड नो देयर इज अ इट लॉ इन आवर कम्स कंट्री टू एंड देयर इज इन फैक्ट इनफ लेजिस्लेशन to file a case against Arundhati Roy, because this is hate speech, this is rabble rousing, this is rumor mongering of the worst kind, this is peddling of fake news, which is actually so detrimental to the interest of the nation. This belittles the effort of the entire country. All our doctors, all our nurses, all our police personnel, our staffers, our safai karmcharis, you know, our sanitation workers. This is and all our state governments, irrespective of party politics. जी. So obviously she is indulging in some kind of an intellectual terrorism, some warfare of a kind against her. जी. She is an enemy of the state, of the जी. people of India. I जी. would call her an enemy of the Indian state, of जी. the Indian people, Indian Hindus and Indian Muslims जी. alike. जी. क्योंकि ऐसे मौके पे जब unity की इस वक्त शदीद जरूरत होती है, ऐसे मौके पे जब सब एक यकजुट हो जाते हैं, आप एक एक बंदा उठता है, वो चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो, मैंने दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल देखी ही नहीं आज तक कि नाजुक, जबकि एक तारीख के एक नाजुक मोड़ पे दुनिया खड़ी हुई है, ग्लोबल एक पेंडेमिक है, आप अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? देखिए, कहीं ना कहीं इनका दिमाग अटक के रह गया है। जी. अब आप देखिए, वो जो अब कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा फैशनेबल माना जाता है, अरे वाह क्या बात कर रही है, मुसलमान बेचारे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, ओ हो उनके साथ जुल्म हो रहा है, और ये आवाज उठा रही हैं, ये मसीहा बन के उभर रही हैं। तो ये जो है एक एक मिथ है अपने बारे में इन्होंने क्रिएट कर रखा है। हाँ, ये झूठ। हाँ, इसको इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने बारे में ऑरा क्रिएट करके। हाँ, और कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं इस चक्कर में, और वो देखते नहीं है कि इंडिया में कोई भी इंस्टेंस आप नहीं पाएंगे किसी भी स्टेट में, जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या ऑफिसर ने या अधिकारी ने कोई भी किसी भी तरह के तासुब से किसी मुसलमान मरीज को ट्रीट किया हो, बल्कि उल्टा हुआ है कि तबलीगी जमात के कुछ जो मरीज जिनको पकड़े गए थे, वो बाकायदा उन्होंने बहुत ही बेहूदी हरकतें की हैं, उन्होंने डॉक्टरों के साथ बेहूदगी की, थूका उनके ऊपर, कुछ ऐसी चीजें की हैं बहुत ऑब्सीन जो मैं बता नहीं सकती। जी. लेकिन इस बात को भी ना एक तरह से तब भी डॉक्टर्स काम करते रहे, जी, 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 कोई जी. सोच भी नहीं था इस तरह से। हाँ. लेकिन ये अरुंधति रॉय हैं जो बाकायदा देश विदेश भर में दूर दुनिया में बता रही है इंडिया में ऐसा हो रहा है, पता है इंडिया में मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है, एक कानून लाया जा रहा है। अब मैं बता दूं, जिस कानून की वो बात कर रही है उसके देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जी, वो जो बात कर रही है, जामिया में कहती है अगर सरकार मांगे आपसे एविडेंस तो कागज नहीं देना, अपना नाम रंगा बिल्ला बता देना। अच्छा,
अब जब वो जाती है अरुंधति रॉय हर वक्त घूमती रहती है यहाँ से वहां विदेश जाती है तो पासपोर्ट दिखाती है ना अपना जी इमिग्रेशन के उसमें, फिर क्या वो बोलती है क्या हिम्मत है, तो खुद तो आप दुनिया भर घूम रही है अपना कागज आप दिखा रही है अरुंधति रॉय का पासपोर्ट, और बाकी अब जो साधारण सीधे साधे मुसलमान है उनसे तो उनको आप इस्तेमाल कर रही है अपने इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के लिए, उसकी पॉलिटिक्स के लिए जी, उनको धमका रही है डरा रही है और खौफ ज्यादा रख रही है। ये देखिए कितनी बड़ी ये जलालत है, मैं अहमकाना ना कहिए इसको अनीश जी। अच्छा। ये बहुत ही एक बहुत ही जलील इंसान कर सकता है। मैं मुझे इतनी तकलीफ हुई उनके इस स्टेटमेंट को पढ़कर जो मैंने पढ़ा है, मेरा खून खोल गया जी। क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं सब लगातार और आप जानते नहीं क्या कुछ हो रहा है हमारे जी। और आप प्लीज आके सारे चैनल्स देखिए, हम तो लोगों से कहेंगे जो बाहर हैं और आपके जरिए इस बात को पहुंचाना चाहेंगे, आप सारे भारत के चैनल्स देखिए कि कहीं भी एक भी ऐसा वाकया नहीं है भारत सरकार की तरफ से जिसमें एक भी मुसलमान को टारगेट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमने भी नहीं देखा, वरना होती तो ज़ाहिर है वो रिपोर्टिंग हो जाती है इंटरनेशनल मीडिया में भी। लेकिन अब ये आने वाले जो दिन हैं जिसमें के आप के रिलीजियस इज्तमात बढ़ जाते हैं, गैदरिंग कंग्रेगेशन जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, रमज़ान में तरावियां पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जुमे में ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं, फिर ईद की गैदरिंग आ रही है और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ये पेंडेमिक इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो जज्बात उभारे जा रहे हैं मुसलमानों के, जो उनको पहले से उभारना शुरू कर दिया गया है इस तरह के बयानात के जरिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग स्टेट्स के जरिए भी और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि हम सब जानते हैं चाहे वो मक्का हो, मदीना हो, मस्जिद अल-हरम हो, तो वहां पे नमाजें नहीं हो रही है। वैटिकन सिटी को बंद कर दिया गया है अभी कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, और इस तरह के सामूहिक तौर पर कलेक्टिव नमाजें नहीं हो रही हैं। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए, लोग समझ भी रहे हैं, तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, और तरावी पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है लोग जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है भाई मुसलमानों के वो बड़े सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से ये बात, उनका अनाउंसमेंट हुआ है कि जो गरीब मुसलमान हमारे हैं, रोजदार जो होंगे, उनके चाहे उनके पास राशन कार्ड भी ना हो जी, लेकिन लगातार उनको जरूरी चीजों सब उनको मुहैया कराई जाएंगी ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। ऐसी हर एक स्टेट जो है ये कर रहा है, और ये मेरी भी गुजारिश होगी कि भाई मस्जिद देखिए, हमारे देश में तो औरतें नहीं जाती हैं मस्जिद, औरतें तो घर में नमाजें पढ़ती हैं, तो वो मुनाफिक थोड़ी ना हो जाती। जी जी, वही आपने जो शुरू में बात की ना शाजी जी, आपने जो शुरू में बात की कि जब मौका आएगा आगे आप लोग सब जाइएगा बाहर, नमाजें अदा कीजिएगा, अभी इबादत घर से करें। वो जो हालात होते हैं ना, हालात के मुताबिक हमें इंसानों को अपनी ज़िंदगी ढालने का हुक्म है। जैसे आपने शुरू में बताया कि बारिश के ज़माने में हैया अलस्सला फी बुयूतकुम, यानी कि नमाजें अपने अपने घर की तरफ जाकर पढ़ लो, ये और ये हुक्म मैंने या आपने या मौलाना साद ने नहीं दिया था, बल्कि नबी पाक ने दिया था। और वो अगर हम उस हुक्म से ज़्यादा अगर आपके लिए आज मौलाना साद और अरुंधति राय हैं, तो फिर हम मुसलमान नहीं कहलाने के लायक हैं। हमें अपने ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उस पीस की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ वायलेंस नहीं था, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हुक्म है कि अगर आप दारुल कुफ्र में भी रह रहे हो, यानी कि मैं अगर कैनेडा में रह रहा हूँ, मैं दारुल कुफ्र में भी रह रहा हूँ, तो हेड ऑफ़ द स्टेट का ऑर्डर मानना मेरे पे इस्लाम फ़र्ज़ करता है, कोई और फ़र्ज़ नहीं करता है। हेड ऑफ़ द स्टेट, उसके ऑर्डर, उसका आइन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इमरजेंसी, वो मुझ पर लागू है कि मुझे मेरे इस्लाम ने सिखाया है, अगर मैं अपने ओरिजिन की तरफ जाता हूँ। और अगर मैं अपने प्रेजेंट की तरफ जाता हूँ और तबलीगी रहनुमा मौलाना तारिक जमील या मौलाना साद की तरफ जाता हूँ, तो फिर मैं अपने दीन से हट रहा हूँ। हमें वापस अपने दीन की तरफ जाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर कंट्री का फ़ायदा यही होता है कि उसमें आपको स्टेट आपको बताती है कि इंसानियत पर काम करना है, और आप जैसे कि बीजेपी सरकार कर रही है, और कुछ लोग शर पसंद आते हैं और वो आतंक फैलाने की बात करते हैं, वो एक फिक्री आतंक फैलाने की बात करते हैं। मैं इसको वायलेंट तो नहीं करूँगा कि बम फोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक सोच फोड़ रहे हैं। अरुंधति राय एक सोच फोड़ के, पटाखा फोड़ के, एक बम फोड़ के समझती हैं कि पूरे मुसलमान बिफर आएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा, ये तो आप याद रखिए कि ऐसा नहीं होने जा रहा शाहजिया जी, क्योंकि लोग
समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको उनको मोहब्बत है अपने देश से, और जो जो देशभक्त लोग हैं जिनको देश से मोहब्बत है वो उनके कहने में नहीं आएंगे। आप क्या समझती? बिल्कुल, और ये है, देखिए हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर एक मुसलमान देश का, हिंदू सिख हमारे सारे, इतने मजहब हमारे देश में, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, सब लोग जो है इतने शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के, हमारे हमारे जो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो नर्सेस हमारी हैं, कितनी वो मेहनत कर रही हैं, हमारे जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और पुलिस के बारे में कितना कुछ कहा जाता था, लेकिन लगातार कैसे वो कॉन्स्टेबल जा के काम कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग हियर टू अरुंधति रॉय एंड हर लाइक्स, that they are really full and of such border dash and nonsense. They really create these divisions. And this is nothing short of, you know, intellectual, you could call it pettiness street. Or some form of intellectual violence or terrorism, which they inflict on others. And they use the Muslims merely as political fodder for their, to reap their intellectual benefits. And I think they should be discouraged. I think their bluff should be called. Yeah. I think their diatribes, which are full of vitriol, must be exposed. Bilkul. And we should know them for who they are, because they are the ones who are doing the biggest disservice to the very same community they claim to speak for. Bilkul. So, Anishji, through your channel and through your platform, I would like my fellow Muslims, my brothers and sisters, that we should know and understand that the likes of Maulana Saad and Arundhati Roy have to be exposed. Because if you hear even Maulana Saad's speeches, you'll be surprised to see the content of what he says. Ji. It has nothing to do with the Holy Quran Ji. Or what Islam preaches whatsoever. और यही बात मैंने कही ना कि मतलब वाकई लोगों को, मैं ये इसीलिए बार बार ही बताने चाह रहा हूँ, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं, मुझे अगर कुछ सीखना होगा मैं वापस जाऊँगा 1500 ईयर्स और मैं उसको स्टडी करूँगा और उसकी रैशनल को सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। जी जी बोलिए अनिल जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो उस वेबसाइट जो तबलीगी जमात की है उस पे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं मौलाना साहब की, जो उन्हीं के वेबसाइट से हैं, मैं आपको एक पूरी रिकॉर्डिंग भेजूंगी जी। और मुझे लगता है अगर आप अगला एक इसमें एक डिस्कशन सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को दुनिया भर के बुला के करें जी। तो आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई में इनका कोई ताल्लुक नहीं मजहब से नहीं है। उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। और मैं आपको उसकी डिटेल्स भेजूंगी इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर रिसर्च करेंगे और आप तबलीगी जमात के इस अमीर की जो असलियत है वो सामने रखेंगे, क्योंकि एक आम मुसलमान भी इनसे नफरत करने लगेगा अगर आप उसके कंटेंट सुनेंगे। वो बाकायदा उसमें ये कह रहे हैं कि कुरान भी अपने आप में नाकाफी है। अच्छा। और हजरत उमर पर वही आती थी। अच्छा। और हजरत उमर ने अल्लाह से दुआएं मांगी और फिर उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की, और जो चीजें हलाल बताई गई हैं कुरान शरीफ में वो हराम की। यानी कि ये बातें जो हम लोग जानते नहीं, हम लोग से कुरान और हदीस तक हमारी जो दीनी तालीम और या अंडरस्टैंडिंग है, ये इससे भी आगे ले गए हैं। और ये हजरत उमर पर वही आती थी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब ये बात कोई भी मुसलमान नहीं करेगा, कह सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को, ताकि ढेर सारे मुसलमान पूरे दुनिया में, क्योंकि तबलीगी जमात एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी। और ये आम मुसलमान को, गरीब मुसलमानों को बिल्कुल जहालत और उसके अंधकार में ढकेल रहे हैं, उस कुएं में जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। और बजाय ये कहने के कि मुसलमान आगे बढ़े और इंजीनियर्स बने और साइंटिस्ट बने और डॉक्टर्स बने और कॉन्ट्रीब्यूट करें अपनी अपनी देश की इकोनॉमीज को, दुनिया में इन्वेंशन लाए, ये ढकेल रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान और अच्छा मुसलमान बनने, और मस्जिद से जाना और मस्जिद से आना और गश्त और चिल्ला के आगे कुछ है नहीं उनके लिए। बिल्कुल। अब आप सोचिए कौन है मुसलमान का हिमायती और कौन नहीं है, इससे आपको साफ पता चल जाएगा।
नहीं, बात ये भी है और दूसरी बात ये कि वो अकमल तो लकुम दीनुकुम जब हुआ था खुतबत हुज्जतुल विदा में कि आज दीन मुकम्मल कर दिया है और दीन मुकम्मल करने के बाद अब इसके बाद और मज़ीद कुछ नहीं होने वाला, यानी कि उसमें क्लियर इंडिकेशन भी दे दी गई थी कि जो वो पैगामात आने का सिलसिला, वो जो ट्रांसमिशन आ रही थी वही की, वो रुक गई थी और वो आखिरी थी और उस ज़माने में बस एक वही जो है इस्लाम में आज तक सिर्फ नबी पाक पर आई है, उसके अलावा किसी पर नहीं आई। लेकिन ये जो बातें करके मॉडिफाई करके इस्लाम को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो इसी वजह से की जा रही है कि लोग उनके पैरोकार बन जाएँ, लोग उनको फॉलो करना शुरू कर जाएँ, वो एक न्यू इस्लाम राइज करें। क्योंकि देखें इतनी बड़ी आबादी है और इसमें दुकान बड़ी अच्छी चलेगी अगर वो दुकान चल पड़ी तो। और लेकिन मुझे अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोग, मॉडरेट लोग, रोशन ख्याल लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान में जो इनकी दुकानदारी चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप एक सिपाही की तरह खड़े होकर दिफा भी करेंगी, ना सिर्फ अपने दीन का, अपने लोगों का, बल्कि अपने देश का, और फिर इनको मुँह तोड़ जवाब देंगी, इन जैसे लोगों को देंगी और अरुंधति राय जैसे लोगों को देंगी, ताकि लोगों को असलियत मालूम हो सके। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मज़ीद आने वाले दिनों में आप और आपके जितने भी तर्जुमान और स्पोक्स पर्सन हैं वो आएँ चैनल्स पर और इनको कंडेम करें और बताएं लोगों को, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, ये इनके जज्बात को उभारेंगे, इग्नाइट करेंगे और आग लगाएंगे। तो अब आप लोगों पे ज़िम्मेदारी मैं दे रहा हूँ कि अब आप लोग सियासत में हैं, आप लोग लीडरशिप में हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको असम्बलियों में भेजते हैं, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाजिया जी, नहीं नहीं भैया, आप जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, मुझे जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी कुछ हाल में कोरिया गई थी, जब मैं एक साउथ कोरिया जब मैं गई, वहां पे एक पाकिस्तानी कुछ लोग इकट्ठा थे और वो देश के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। देखिए, झूठ से मुझे बहुत तकलीफ है और वो ऐसी तस्वीरें दिखा रहे थे कश्मीर की जो कश्मीर की थी भी नहीं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं अकेली ही उस भीड़ में जुट गई क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है झूठ, खासतौर से देश के बारे में। ये जितनी प्रोपागैंडा जो है ना, इससे मुझे बहुत चिढ़ है। अगर कोई बात गलत है हमारे देश में हो रही है, हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए जी। कोई भी मजहब का इंसान हो, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल उठानी चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन आप झूठ तो ना बोले, झूठ बोलकर आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। यू आर स्प्रेडिंग कैलमनी, यू आर ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट, यू आर क्रिएटिंग फियर, you're rabble rousing. why are you doing this? be honest. sach to bole aap, to sach to bolna padega. aur aapne ye mujhe zimmedari di hai, main bata du aapko, main apne ko ek sipahi ki tarah hi dekhti hu aur hum sab logo ko sipahi bankar, ek undercover sipahi bankar na kaam karna padega iske liye, ki apne qaumi ekta ke liye, taki hamari mohabbatein bani rahe, taki jo log jo deewarein bana rahe hain nafrat ki, झूठ के पायदान का इस्तेमाल करके उनको ना इस्तेमाल करने दिया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए। और अरुंधति रॉय मेरी टीचर रह चुकी हैं जामिया में, जब मैं मैस कॉम करती थी तो वो मुझे पढ़ा चुकी हैं, पर जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में थी तो उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन पर एक बहुत बड़ा एक वो मजमून लिखा था जो बिल्कुल झूठा था, क्योंकि मैं तो उसके अंदर पहले दिन से उसका हिस्सा थी, तो मुझे मालूम था बिल्कुल झूठ बोल रही थी वो। तब से मैं समझ गई कि इनकी बातों में कुछ फैक्ट्स नहीं है। सो एंटायर नॉनसेंस इज फैक्ट फ्री एंड इज अ फैक्ट्री ऑफ नॉनसेंस। दैट्स हाउ आई लाइक टू डिस्क्राइब अरुंधति। हम सब इनके इस एक्ट को कंडेम करते हैं, हम सब रिलीजियस फैनेटिक सोच को कंडेम करते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें इंसान पहले, फिर अपना अपने देश का एक वासी पहले, और उसके बाद फिर हम कुछ और होते हैं, क्योंकि वो हम अपने अंदर रखते हैं। हम दीन ऐसी चीज़ें जो किसी को दिखाई नहीं जाती कि मैं हूँ, उससे इजहार नहीं होता, वो आपका और आपके रब के दरमियान एक मामला होता है जो कि आखिरत में जब भी होगा फैसला तो वो उस पर होगा। लेकिन जब हम इस दुनिया में मौजूद हैं तो वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे वो, और मज़े की बात यह है कि वो आप ही की भलाई के लिए, वो मेरी वो आप ही की भलाई के लिए, ताकि वो जो वायरल उसको हम रोक सकें, उसको कंटेन कर सकें। इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? हर चीज़ में रिलीजन डालेंगे तो काम तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, शाजिया जी को हम विदाई दें और अनीस फारूकी को भी इजाज़त दीजिएगा इस सोच के साथ कि हम और आप क्या कर रहे हैं, हम अपना मजाक दुनिया में क्यों बनवा रहे हैं। इस्लाम को इस्लाम रहने दें
और जो दुनिया है इसमें जो इस वक्त मसाइल का शिकार है उसको उसी तरह से लेके चलें। जाली उलमा इस वक्त मंजन और चूरन बेचने वाले बस में उस शख्स की तरह हैं जो कि चार आने में आपको कुछ भी बेच के चले जाएंगे और आप वो ख़रीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी का सवाल है, उसको उसी तरह से हैंडल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ अनीस फारूकी के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिएगा, हैव अ ग्रेट इवनिंग। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.